तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल में अपने न्यू चैनल को या फिर किसी भी चैनल को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे फीचर कर सकते हैं चैनल सेक्शन में। तो जानने के लिए आज के इस वीडियो को इन तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे YouTube के चैनल सेक्शन जो होता है हमारा, तो उसमें हमारे न्यू चैनल को ऐड करने से या फिर किसी भी चैनल को ऐड करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदे होते हैं। तो मान लीजिए आपका जो कि मेन चैनल है जिसपे आप न्यू चैनल को ऐड करना चाहते हैं, उसपे मान लीजिए कुछ अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, आपके अच्छे सब्सक्राइबर्स है, तो आप अगर कोई न्यू चैनल खोलते हैं, जैसे कि नॉर्मली बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्लॉग चैनल खोलते हैं, तो मैंने भी जो किया एक ब्लॉग चैनल खोला है, ब्लॉग चैनल क्रिएट किया है। तो नॉर्मली चैनल को ग्रो करने में जो कि है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बट वही अगर आपका कोई मेन चैनल है, पहले से एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस है आपके चैनल पे, तो आप अगर अपने न्यू चैनल को चैनल का जो कि सेक्शन हमें मिलता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसपे जो कि है एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि आपका जो कि मेन चैनल पे तो अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, तो उससे जो कि है सब्सक्राइबर जो कि है आपके उस न्यू चैनल पे भी सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा। तो पहले से जो कि आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको अगर आपका न्यू चैनल का वीडियोज अगर अच्छा लगता है, कंटेंट अगर अच्छा लगता है, तो वो आपके न्यू चैनल को भी ऐड कर देंगे। तो यही फायदा है चैनल सेक्शन में अपने न्यू चैनल को ऐड करने का, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस चैनल को ग्रो करने में। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे न्यू चैनल को चैनल सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, फीचर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने फोन में फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, क्योंकि क्रोम ब्राउजर जो कि है बहुत टाइम क्या होता है कि क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड में आप जब इनेबल करते हैं वाईटी स्टूडियो को, तो वो जो कि है ओपन नहीं होता है। तो फायरफॉक्स ब्राउजर को आप डाउनलोड कर लेंगे, ये आपके चैनल को हैंडल करने के लिए जो कि है मैनेज करने के लिए डेस्कटॉप मोड में बहुत ही बेहतर ब्राउजर है, बहुत ही अच्छा ब्राउजर है। तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड करके एंड आप उसको ओपन कर लेंगे। एंड फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ से आपको राइट साइड डाउन में यहाँ से थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पे प्रेस कर लेंगे। एंड यहाँ प्रेस करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको इनेबल कर देंगे। एंड इसको इनेबल करने के बाद अब आपको क्या करना है, यूट्यूब को सर्च कर लेना है। एंड यूट्यूब सर्च करने के बाद यहाँ से राइट साइड टॉप में चैनल का लोगो मिल जाता है, तो आपको चैनल के लोगो पे प्रेस कर लेना है। एंड यहाँ प्रेस करने के बाद योर चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पे प्रेस कर लेंगे। एंड यहाँ प्रेस करने के बाद आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कस्टमाइज चैनल पे प्रेस कर लेंगे। तो चैनल कस्टमाइजेशन का पेज ओपन होने के बाद यहाँ से आप नीचे में देखेंगे तो आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ऐड सेक्शन पे प्रेस कर लेंगे। एंड यहाँ प्रेस करने के बाद आप सबसे नीचे में देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाता है फीचर्ड चैनल्स का ऑप्शन, तो अब आपको यहाँ से फीचर द चैनल्स पे प्रेस कर लेना है। एंड फीचर द चैनल्स पे प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाता है एनी चैनल ऑन यूट्यूब का ऑप्शन, तो आपको इस पे प्रेस कर लेना है। एंड यहाँ से आप अपने न्यू चैनल को सर्च कर लेंगे या फिर आप जिस चैनल को ऐड करना चाहते हैं चैनल सेक्शन में, आप यहाँ से उसको सर्च कर लेंगे। एंड सर्च करके यहाँ से आप देख लेंगे कि आपका चैनल कहाँ से अगर ऊपर आता है तो ठीक है, या फिर नीचे आएगा तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपके चैनल पे प्रेस कर लेना है। एंड चैनल पे प्रेस करने के बाद यहाँ से डन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप डन पे प्रेस कर लेंगे। एंड यहाँ प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप पब्लिश पे प्रेस कर देंगे। एंड पब्लिश करते ही जो कि आपका न्यू चैनल या फिर जो भी चैनल ऐड करना चाहते हैं आपके यूट्यूब चैनल के चैनल सेक्शन में, वो जो कि है वो ऐड हो जाएगा, फीचर्ड हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप व्यू चैनल पे प्रेस कर लेंगे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एरो डाउन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से चैनल्स पे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ से जो कि है मेरा मुकुल टेक जो कि मेन चैनल है वो यहाँ से शो कर रहा है। तो आप मेरे इस मुकुल टेक ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मैंने न्यू क्रिएट किया है। तो इसी तरह से आप अपने न्यू चैनल को या फिर किसी भी चैनल को आप अपने यूट्यूब चैनल के चैनल सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, फीचर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ।